नमस्कार, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मीत और मेरी चैनल फूड फॉरएवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि पालक की सेव कैसे बनाई जाती है। ये जो रेसिपी है इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं पालक की सेव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2.5 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, तकरीबन 200 ग्राम जितनी पालक, आधा कप पुदीना यानी कि मिंट लीव्स, 2 से 3 ग्रीन चिलीज, एक मीडियम साइज का अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ऐसे चॉप कर लिया हुआ है, फिर हमें चाहिए 1 टीस्पून लेमन जूस, 1/4 कप ऑयल, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, 1 टीस्पून चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो पहले हम पालक की प्यूरी बना लेते हैं, जिसके लिए हम एक मिक्सर जार में एक मीडियम साइज का अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 चॉप की ग्रीन चिलीज, आधा कप पुदीना यानी कि मिंट लीव्स, तकरीबन 200 ग्राम जितनी पालक और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके इसे मैं ब्लेंड करके इसकी प्यूरी तैयार कर लेनी होगी। ये देखिए पालक की प्यूरी बनकर रेडी हो चुकी है, तब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पालक की प्यूरी को स्ट्रेन कर लिया है, तब हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस, 1/4 कप ऑयल, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करके इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसके अंदर तकरीबन 2.5 कप जितना बेसन ऐड कर लेते हैं। हमें बेसन को एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए जो सेव बनाने का बैटर है वो ऐसा थिक और फॉर्म होना चाहिए। ये तब हम इसे एक सेव मेकर के अंदर ऐड कर लेते हैं। इस सेव मेकर को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था पहले से, और सेव को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऐसी छोटी वाली जाली यूज करनी होगी। अगर आपको बड़ी सेव बनानी है तो आप बड़ी वाली जाली भी यूज कर सकते हो। ये देखिए ये रेडी हो चुका है, तब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इसके अंदर हमारी सेव ऐड कर लेनी होगी, और सेव को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाती। इसे फ्राई करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे फ्राई करने के लिए मुश्किल से 2 मिनट ही लगेगी। सेव को हमें ऐसे बीच बीच में फ्लिप करते रहना होगा। जब सेव अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसे हमें टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेना होगा ताकि सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए पालक की सेव रेडी है। ये देखिए ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह हम बाकी की सेव को भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इसे बहुत ज्यादा टाइम तक फ्राई करते रहोगे तो जो सेव है वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी। बस इसी तरह हम बाकी की सेव को भी रेडी कर लेना होगा। तो लीजिए पालक की सेव रेडी है। ये दिखने में काफी अच्छी लग रही है, खाने में काफी टेस्टी बनी हुई है, और ये सुनिए ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। तो और फिर सबसे एंड में हमें इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेना होगा ताकि इसका टेस्ट और भी बेहतर हो जाए। तो लीजिए हमारी चटपटी पालक की सेव रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए।